नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष गुप्ता है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। बड़ी खबर की, राजस्थान में बिजली संकट गहराने लगा है। कोयले की कमी के चलते बिजली कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है। घोषित रूप से 1 से 4 घंटे की बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में 1 घंटे का पावर कट लागू किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। जयपुर डिस्कॉम के 10 जिलों में आज से पावर कट लागू कर दिया गया है, जिसमें दौसा, जयपुर, जिलावृत्त, टोंक और सवाईमाधोपुर में शाम 4 से 5 बजे, भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी समेत कोटा में शाम 5 से 6 बजे तक रहेगा 1 घंटे पावर कट। सभी जिला मुख्यालय अलवर और भरतपुर में राहत दी गई है। इसके अलावा ऊर्जा प्रबंधन के आधार पर अब विद्युत कटौती तय की जाएगी। बताते चले कि कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन कई इकाइयों में ठप है। 3500 मेगावाट से अधिक थर्मल बिजली उत्पादन प्रदेश में बंद कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकित तिवाड़ी मेरे साथ जुड़ चुके। अंकित, क्या जानकारी खबर पर? राजस्थान में बिजली संकट गहरा रहा है और अब धरातल पर ये सभी उपभोक्ताओं को दिखेगा भी। राजस्थान में अब 1 घंटे शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में, नगरपालिका क्षेत्रों में बिजली कटौती शुरू हो गई है, जो निर्धारित अलग अलग इलाकों के आधार पर की गई है। जयपुर डिस्कॉम के 10 जिलों में बिजली कटौती शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे और 5 बजे से लेकर 6 बजे के स्लॉट में कट की जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे घोषित कटौती होगी। लेकिन साथ में बताते चले, ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित कटौती पहले जारी थी और माना यह जा रहा है कि 3 से 4 घंटे तो घोषित कटौती रहेगी, उसके अलावा 2 से 3 घंटे अघोषित तौर पर भी कटौती रहेगी। यानी कि त्योहारी उजास, उल्लास और रोशनी का जो त्योहार दीपावली आ रहा है, उस पर संभवतया अंधेरा रह सकता है। विद्युत उत्पादन बेहद प्रभावित है। बिजली कंपनियां, सरकार कोशिश कर रही है किसी तरह कोल प्रबंधन हो और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बेहतर तरीके से चल सके। लेकिन साथ ही संकट केंद्र सरकार की कोल कंपनियों की ओर से है, वहां से सप्लाई बेहतर नहीं हो पा रही है। कोयले की रैक कम आ रही है। सरकार ने 7 कोयले की रैक आवंटित की थी, लेकिन 3 रैक ही अब राजस्थान में पहुंच पा रही है। ऐसे में थर्मल से होने वाला 35 से 40% उत्पादन प्रभावित हो रहा है। करीब 3500 मेगावाट की क्षमता इतनी है कि उत्पादित नहीं हो पा रही है, वो कोयले की कमी और तकनीकी कारणों से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हाल ही में एक बड़ी अपील बिजली कंपनियों के जरिए राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं से की थी कि मितव्यता बरते, जरूरी नहीं हो तो कोई भी बिजली उपकरण चालू ना करें, एसी का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि इस वक्त बिजली संकट है और कई वर्षों बाद ऐसी सिचुएशन आई है कि राजस्थान में बिजली संकट गहराया है और ये बिजली संकट कुछ दिनों तक लगातार रह सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले 10 से 15 दिन तक बिजली कटौती का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसे वापस लेने की संभावना नजर नहीं आ रही है। और यह बिजली संकट राजस्थान में ना केवल घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान करने वाला है, साथ ही कॉमर्शियल और औद्योगिक जो उपभोक्ता हैं उन पर भी मार पड़नी तय है और कृषि उपभोक्ताओं पर भी ये लागू होगा। मानसून की विदाई हो चुकी है, उमस का माहौल और गर्मी, लगातार तापमान में तेजी बढ़ रही है। कृषि उपभोक्ताओं को भी अगली फसल की बिजाई के लिए, खेती तैयार करने के लिए बिजली चाहिए। ऐसे में बिजली की मांग अधिक बढ़ेगी। पिछले 4 दिन की बात करें तो 3.5 करोड़ यूनिट बिजली की मांग बढ़ चुकी है। राजस्थान में फिलहाल 24.5 से 25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की डिमांड है, जबकि पिछले सप्ताह की बात करें तो ये करीब 20 से 21 करोड़ के करीब ही प्रतिदिन बिजली यूनिट की मांग थी। तो बिजली संकट भी गहरा रहा है, मांग बढ़ रही है। ऐसे में बिजली कटौती का विकल्प घोषित तौर पर सरकार ने एक साहसिक कदम लिया है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, हमेशा राजस्थान सरप्लस बिजली स्टेट के लिए जाना जाता था, लेकिन अब जब बिजली संकट गहराया है, ओपन एक्सेस से मिलने वाली बिजली 19 से 20 रुपए प्रति यूनिट से अधिक मिल रही है। ऐसे में राजस्थान
संस्थान के पास वित्तीय क्षमताएं भी इतनी नहीं है कि महंगी बिजली खरीदकर सस्ती दर पर उपभोक्ताओं को दें। ऐसे में बिजली कंपनियों को घाटा बचाने के लिए भी ये कदम उठाया गया है। तो बिजली कटौती का दौर जो राजस्थान में आज से शुरू हुआ है लंबा चल सकता है, त्योहारी सीजन पर असर डालेगा, लेकिन इतना जरूर है कि संकट का जब वक्त हो तो राजस्थान या देश की बात हो, हमेशा से हर उपभोक्ता, हर व्यक्ति, हर नागरिक हमेशा आगे आया है। ऐसे में मित्रता की जो उम्मीद बिजली कंपनियों को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, संभवतः वो समझेंगे और गैर जरूरी विद्युत उपकरण बंद रखेंगे और साथ में एसी का उपयोग जो ज्यादा से ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है राजस्थान के निवासी कम करेंगे। ये आदर्श बात हो सकती है लेकिन इस वक्त आवश्यकता इसी आदर्श वाद की है ताकि बिजली कंपनियां जो उत्पादन की बिजली उत्पादन की कमी से जूझ रही है वो अपनी जो ढांचागत पहल है वो बेहतर तरीके से कर सके। बहुत शुक्रिया अंकित तिवाड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस खबर पर देने के लिए। कुल मिलाकर ये जिस तरीके से योगी अंकित ने बताया कि करीब 15 दिन मानकर चलिए जब तक ये संकट राजस्थान में गहरा सकता है, कोयले की कमी का हवाला दिया जा रहा है।